लाइक एन ओ पी आई बी एस्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र करती है जिसका नाम है एन टी एच पी एन टी एच पी मीन्स नेशनल टैलेंट हन प्रोग्राम सो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप एन टी एच पी के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी उसके टेस्ट पैटर्न क्या होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा तो वीडियो को इन तक लाजमी देखे सो so, शुरू करते हैं सबसे पहले एन टी एच के पी के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा कि एन टी एच पी एक फुली फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है सो so, इसमें कंट्री वाइड से स्टूडेंट्स को टैलेंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है थ्रू टेस्ट एंड इंटरव्यू फिर उनको ऑन कैंपस दो महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंटरेस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो कंप्यूटर साइंस में हो इकोनॉमिक्स में हो तो जो कि अपना हायर स्टडीज़ इन फील्ड में प्रसीव करना चाहते हैं तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं एनटीएचपी के लिए तो वहाँ पे जो रेजिडेंस कॉस्ट है या आपके जो स्टडी मटेरियल है और खाने पीने के जो अखराजा है तमाम आई बी खुद फुलफिल करवाती है तो यह एक फुल फंडेड स्कॉलरशिप है तो यहां पर तैयारी करवाई जाती है सेट की और एस की और आई बी एप्टीटूड टेस्ट की तो मेजरली ये तीन एरियाज को कवर करती है इंग्लिश एंड कम्प्रेहेंशन और मैथमेटिक्स और तीसरा है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इन तीन एरियाज को कवर करती है ये प्रोग्राम दो महीने में सो so, uh, अब बात आती है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं एन के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सो so, अगर आप कोविड uh, 19 की वजह से अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए बग़ैर ही सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं तो अगर आपके मैट्रिक में ट्वेंटी में अगर आपने मैट्रिक किया है तो ना, अगर आपके मैट्रिक में 70 परसेंट मार्क्स हैं तो आप एन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंडली अगर आप से फर्स्ट ईयर के बेस पे प्रमोट हुए हैं सेकेंड ईयर से आगे तो आके आग अगर फर्स्ट ईयर में सेवेंटी परसेंट मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एन के लिए सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अब बात आती है कि कैसे अप्लाई करना है हाउ टू अप्लाई तो आ, दो तरीके हैं दो मेथड्स है जिसके तरीके जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट मेथड है ऑनलाइन मेथड तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है एन के लिए तो वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं ठीक है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप फॉर्म को अप्रोच कर सकते हैं और सेकेंडली आपका जो मैनुअल मेथड है इसमें आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं फिर आप उसके हार्ड कॉपी को फिल करके आई कैंपस में आप सेंड कर सकते हैं कुरियर कर सकते हैं तो ये दो मेथड्स है फॉर्म फिल करने के फिर बात आती है कि उसकी सबमिशन फार्म सबमिशन की लास्ट डेड लाइन कब है तो थर्ड मार्च तक आपकी डेड लाइन है फिर टेस्ट कब होगा टेस्ट आपके ट्वेंटी एट मार्च को आपका टेस्ट होगा ट्वेंटी एट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को आपका एन टी एच पी एसेसमेंट टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल सिक्सटीन को फिर अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू होगा आपका 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा फिर उसका रिज़ल्ट आएगा मई सेवन को मई सेवन को आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है एन का पूरा असेसमेंट कम्प्लीट हो जाता है फिर अगर आप इंटरव्यू में भी पास होते हैं और टेस्ट में भी पास होते हैं तो आपको दो महीने के लिए आन कैंपस आई में बुलाया जाता है तो जून जुलाई में आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है फिर अगर आ, फिर उसके बाद आप अपियर होते हैं एस में या आई बी एप्टीट्यूड टेस्ट में जो कि आपके एडमिशन आई में एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है तो ये है एन का एक और ओवरव्यू। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है अकाउंट क्रिएशन किस तरह से करना है तो मैं पूरा फार्म फिल करके आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से फिल करना है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग